इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया में वोकैबुलरी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह आपके इंग्लिश बोलने और लिखने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही जब आप इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं तो यह आपके समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करके आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वोकैबुलरी आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। तो आइए आज हम एक नए वर्ड नेल के बारे में जानते हैं। इसकी स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसे इंग्लिश में दो अलग अलग अर्थ में यूज किया जाता है। NAIL, नेल। नेल मीन्स नाखून और नेल मीन्स कील भी होता है। सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द। नाखून का समानार्थी टैलन और कील का समानार्थी पिन। लेट्स अंडरस्टैंड बाय दीज सेंटेंसेस। रोहन हैज द हैबिट ऑफ बाइटिंग हिज नेल्स। रोहन को अपने नाखून काटने की आदत है। इस सेंटेंस में नेल के प्लूरल फॉर्म नेल्स को यूज किया गया है। रोहन हैज द हैबिट ऑफ बाइटिंग हिज नेल्स। द कार्पेंटर हैमर्ड द नेल इनटू द वॉल। बढ़ई ने दीवार में कील ठोक दी। तो इस तरह से नेल के दो अलग अलग अर्थ हुए, नाखून और कील। मैंने नेल से रिलेटेड और भी कई सेंटेंसेस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड किया है। अगर आप चाहें तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर वोकैबुलरी। टेक केयर। हैप्पी लर्निंग।